अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम योर कंप्यूटर टीचर सर साकिब। एज़ यू नो अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस इन द कंट्री, स्कूल हैज़ बिन क्लोज एंड विल रिमेन क्लोज अप टू 28th of April 2021। सो जीना ऑफिसर, स्कूल हैज़ प्रोवाइडेड यू फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन लेक्चर एंड दीज लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन स्कूल ऑफिशियल चैनल ऑन यूट्यूब। In online lecture, we are trying our best to clear conceptual problems and will try to give you real life examples about the topic we will study in our lecture. So, let's start our lecture. आज क्योंकि हम लोगों का first lecture है तो introductory lecture होगा हमारा, और हम लोग ये पढ़ेंगे आज, मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो है वो ये बुक, इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं, उन चैप्टर्स में जो है वो कौन कौन सा मटेरियल है और उस मटेरियल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8th क्लास की बुक आप लोगों को, PTB की हम लोगों ने बुक लगाई हुई है, ये ऐसा कवर है और इनमें जो कंटेंट्स ऐड हैं, ये कह रहे हैं कि जो चैप्टर ऐड हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन। तो जाहिर है कि हम लोग इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क, हम लोगों ने जो है वो 7th क्लास में इसको डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है, किस तरीके से बनता है, कितनी टाइप्स होती हैं, या कह लें कि उसमें कॉम्पोनेंट्स क्या क्या ऐड होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास चैप्टर है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, मींस के जब हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर की रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उस वक्त जो है वो हमें क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस होती हैं, या क्या क्या थ्रेट्स हमें, ये कह लें कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं, लाइक वायरसेस या हैकिंग वगैरह है, आप लोग जानते हैं इनके बारे में, सुनते रहते हैं अक्सर हैकिंग का और ये वायरस वगैरह का। तो हम लोग जो है वो इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि ये थ्रेट्स या कह लें कि वायरस वगैरह कितने टाइप्स के होते हैं, कंप्यूटर में आते किस तरीके से हैं, और हम लोग जो है वो इनसे किस तरीके से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास है स्प्रेडशीट्स इन एक्सेल। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल के, जिसे हम अपना डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए, और वो डेटा जिसका ताल्लुक जो है वो हमारे अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए जो है वो हम लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, और काफ़ी इसमें बिल्ट इन फार्मूलाज हैं। और अच्छी बात यह है कि ऑटोमेटिकली जब हम किसी सेल के ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो उसमें होता यह है कि कभी भी अगर हम लोग उसमें किसी सेल के अंदर जो डेटा है उसको चेंज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अप्लाइड फार्मूला के अंदर जो सेल जिस पे हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, ऑलरेडी उसके अंदर भी वैल्यू चेंज हो जाती है। ज़्यादा डिटेल से हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उस वक्त जो है वो इसकी एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। यूनिट नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग से मतलब ये है कि अगर जब हम लोग कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और वो टास्क परफॉर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो अब वो टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारा चीज़ें जो है वो हम लोग यूनिट नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब इसमें समझ लें कि आप कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, यानी कंप्यूटर में आप लोग सॉफ्टवेयर लिखेंगे एक, ठीक है, और आप लोग ये देखेंगे भाई ये सॉफ्टवेयर जो है वर्क किस तरीके से करता है। बहुत हाई लेवल पे तो प्रोग्रामिंग नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है इसमें कि जिस तरीके से आप लोग जब स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, तो होता यह है कि आप लोग जो है वो नर्सरी प्रेप में आके पहले स्कूल का एनवायरनमेंट समझते हैं, और फिर टीचर्स आपको जो है वो अल्फ़ाबेट्स का साउंड निकालना सिखाते हैं, उनसे फिर आप लोग वर्ड्स बनाते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं, तो इस तरीके से फिर आप लोग एसेज, पैराग्राफ, चैप्टर्स या कह लें कि पूरा पूरा फिर आप लोग आसानी से उसको रीड आउट करना शुरू कर देते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में समझ लें कि आप लोग प्रोग्रामिंग की ABCD ही पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे वर्ड्स बनाना सीखेंगे उन अल्फ़ाबेट्स से, और अल्फ़ाबेट्स से वर्ड्स बनाने के बाद फिर उनकी हल्की फुल्की आप सेंटेंसिंग जो है वो कर लेंगे। तो ये तो हमारी समरी थी कि जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं। तो वी हैव 5 चैप्टर्स, और हमने ये देखा कि इन चैप्टर्स में क्या क्या हम लोग मटेरियल जो है, हमारा रीडिंग मटेरियल जो है वो क्या क्या है।
तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो क्या चीज़ है। अब हम ये बात करते हैं कि जब हम लोग कंप्यूटर या कंप्यूटर रिसोर्सेज को यानी कंप्यूटर डिवाइसेस को आपस में लिंक कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो लिंक कहलाता है कंप्यूटर और कंप्यूटर डिवाइसेस का, वो कहलाता है आप लोगों के पास नेटवर्क। ठीक है, इन्हीं नेटवर्क से जो है वो मिलके बन जाता है हमारे पास इंटरनेट। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट बेसिकली क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इंटरनेट के बहुत सारे नेटवर्क जो है वो हमने उनको कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, तो इससे जो हमारे पास जो एक फॉर्म बन गई वो बन गई इंटरनेट की। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई नेटवर्क क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई लिंक ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स रिसोर्सेज, कंप्यूटर और उसके रिसोर्सेज का जो लिंक है वो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई हमने नेटवर्क बनाया क्यों, हमने कंप्यूटर्स को लिंक किया क्यों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है वो डेटा शेयरिंग के लिए, नॉट इवन बिकॉज ऑफ डेटा शेयरिंग, हम लोग जो है वो डिवाइसेस को भी शेयर करने के लिए कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर देते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ की, कि अब आप लोग जो को मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग जो है वो अपने घर से ग्लोबल वार्मिंग की कोई इमेज जो है, या कह लें कि उसके इफ़ेक्ट से रिलेटेड कोई इमेज जो है वो सर्च करके लेकर आए। अब आप लोग, जाहिर सी बात है कि आप लोगों के पास बुक्स के अंदर पॉसिबल है ना हो, किसी के पास न्यूज़पेपर, किसी को हो सकता है न्यूज़पेपर से मिल जाए, किसी को किसी फ्रेंड से मिल जाए, लेकिन अब आप लोगों के पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं है कि आप लोग कहीं ना कहीं से अरेंज कर लें। तो आप लोग बजाय अपने फ्रेंड से, अपने फादर से, या कह लें कि किसी रिलेटिव से डिस्कस करने के, आप जाते हैं सीधा कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर पर जो है वो सर्च करते हैं इमेज, और इमेज जो है वो आपको ईजिली मिल जाती है। तो हमने ये देखा कि बेसिकली हमें जब हमारे पास जो डेटा नहीं था उसको सर्च करने के लिए हमने जो है वो नेटवर्क से जोड़ा, यानी उनको आपस में लिंक किया। तो अभी भी इसी तरीके से है कि जब हम लोग जो है फेसबुक पे सर्च करते हैं, हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो बेसिकली हम वो चीज़ सर्च कर रहे हैं जो हमारे पास इन कंप्यूटर या इन मोबाइल, हमारी जो पर्सनल डिवाइस है उसके अंदर हमारे पास नहीं है वो डेटा। ठीक है, अब वो जो है वो लेट सपोज़ कि भाई मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर रहा हूँ, इट मीन्स कि वो मेरे पास नहीं है, इसी वजह से सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोई इमेज सर्च कर रहा हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो इट मीन्स कि भाई मेरे पास वो इमेज नहीं है, इसी वजह से तो मैं सर्च कर रहा हूँ। तो नेटवर्क्स को बनाया ही इस वजह से जाता है कि हम जो है वो डेटा आपस में शेयर कर लें। ठीक है, या कह लें कि हम लोग जो है वो नेटवर्क कंप्यूटर की जो डिवाइसेज हैं हम उनको जो है वो शेयर कर लें। तो मैंने आपको रीज़न बता दी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन है हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन की। तो ये डेफिनेशन मैंने हाईलाइट जो है वो कर दी है। तो क्या लिखा हुआ है, द शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग कंप्यूटर इज रेफर्ड एज डेटा कम्युनिकेशन। कि कंप्यूटर्स में जो डेटा हम लोग शेयर करते हैं इस प्रोसेस को हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। आप लोग जो है वो इसको मार्क भी कर लें ताकि आप लोगों को लर्निंग फिर आसानी हो जाए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ नेटवर्क। तो नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई हमारे पास जो कंप्यूटर और उसके रिसोर्सेज जो है वो लिंक हो जाते हैं, यानी दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को या उनसे रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं उनको जोड़ देना। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। अभी कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक बिल्डिंग, एक रूम, या कह लें कि एक शहर, या फिर पूरी दुनिया को भी जो है दुनिया में मौजूद कंप्यूटर्स को भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है वो इसकी आप लोग देख लें अच्छे से। फर्स्ट लाइन है और थर्ड लाइन डिफरेंट प्लेसेस, कि आपके जो नेटवर्क हैं वो हमारे पास एक सिंपल जगह पर, एक जगह पर भी लोकेट हो सकते हैं, और ये है कि डिफरेंट प्लेस पर भी लोकेट हो सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो है हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है क्या, सेंडिंग डिवाइस। ठीक है, जो डेटा सिंपल सेंड करने के काम आती है। अब नॉर्मली जो कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर जो सेंडिंग डिवाइस होती है वो आमतौर पर कंप्यूटर ही होता है। क्यों, अब आप लोग, भाई सिंपल सी बात है कि आप लोग सर्च कर रहे हैं, आप कंप्यूटर अपने यूज़ कर रहे हैं, तो आपने कंप्यूटर पे जो है वो सर्च किया, फॉर एग्जांपल इमेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग।
तो इस वक्त जो आप लोगों के पास से डेटा सेंड हो रहा है वो आपके कंप्यूटर से हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार कंप्यूटर ही हो। हम लोग आजकल जो है मोबाइल फ़ोन्स को भी यूज़ करते हैं डेटा सर्च करने के लिए, टैबलेट्स को भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पर यह है कि पुराने टाइम पे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स या कहें कि टैबलेट्स इतने ज़्यादा कॉमन नहीं थे, तो हम लोग जो है वो कंप्यूटर्स पर ही जो है वो इंटरनेट को लिंक करके और सर्चिंग किया करते थे। इसके बाद है हमारे पास रिसीविंग डिवाइस। जाहिर सी बात है कि एक रिसीवर भी होगा जो कि डेटा को रिसीव करेगा और उससे रिलेटेड फिर हमें सर्च प्रोवाइड करेगा। अब रिसीविंग डिवाइस जो है वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, स्टोरेज डिवाइस भी हो सकती है। इसी कॉमन एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि भाई आपने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच किया हुआ है, तो प्रिंटर जब तक कंप्यूटर से कमांड नहीं लेगा कि भाई उसने क्या प्रिंट करना है, वो प्रिंट नहीं कर सकता। तो अगर आपको डेटा प्रिंट करवाना है तो आप लोगों को उसे डेटा प्रिंटर को डेटा जो है वो देना पड़ेगा। इसी तरीके से स्टोरेज डिवाइस एक रिसीविंग डिवाइस है, किस तरीके से कि भाई आप जो है वो कंप्यूटर के थ्रू रिसीवर यानी स्टोरेज डिवाइस को बताएंगे कि भाई आपने डेटा जो है वो स्टोर क्या करवाना है, ठीक है। तो डेफिनेशंस जो है वो इनकी कंप्लीट ही है, इसमें कटिंग नहीं है, आज बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग के अंदर है। इसके बाद हम लोग बात करने हैं, हमारे पास है कम्युनिकेशन डिवाइस। अब कम्युनिकेशन डिवाइस से मतलब वो कि जो कम्युनिकेट करने के काम आ रही है, ठीक है। इनसे एग्जांपल्स जो है वो इनकी लाइक मॉडेम। मॉडेम बेसिकली आपके डेटा को इस काबिल करती है कि वो आपके मीडियम के अंदर ट्रांसफर ट्रैवल कर सके। फॉर एग्जांपल भाई हमारे पास डिवाइस, हमारे पास जो है जो टीवी हम लोगों ने जो है वो घर पे यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो डेटा आपका शेयर हो रहा है वो इन अ वायर शेयर हो रहा है। केबल्स लगी हुई हैं आपके टीवी के बैक साइड पे कि जिसमें से डेटा आपके पास आ रहा है, चैनल जो है वो आप लोगों के पास आ रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग जो मोबाइल फ़ोन या कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई वायर नहीं है, इसमें जो है वो आपको डेटा शेयर हो रहा है या कम्युनिकेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो अब आप ये देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरीके से जो है वो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है। तो उस सूरत में मॉडेम जो है वो हमारी हेल्प करता है कि भाई डेटा जो ट्रैवल होगा वो किस तरीके से होगा, ठीक है। कि हम लोग इन एयर जो है वो डेटा ट्रैवल करते हैं, तो ये मॉडेम का काम है कि वो इसको इस काबिल डेटा को इस काबिल करे कि भाई ये एयर में ट्रैवल कर सके, ठीक है। इसी तरीके से अगर वायर में ट्रैवल करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये भी मॉडेम का काम है कि भाई वो डेटा को इस काबिल करे कि आपका डेटा वायर के अंदर ट्रैवल कर सके, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम से मतलब ये है कि वो पाथ के जिसमें डेटा ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे जो आप लोगों के पास इस वक्त ट्रांसमिशन मीडियम है, तो आप ये देखें एरो से इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि वायर, तो इस वक्त जो है ये वायर है जिसमें डेटा आपका ट्रैवल हो रहा है, तो ये ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो कंसिडर की जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इस वायर के अंदर जो है वो डेटा आपके पास ट्रैवल कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ कि भाई हम लोग के पास वायर नहीं है, हम लोग तो वाईफाई यूज़ कर रहे हैं घरों में, तो हमारे पास जो वायर सॉरी एयर है कि जिसमें आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है, तो वी कैन कंसिडर एयर एज अ ट्रांसमिशन मीडियम के हमारे पास एयर में डेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं और डिवाइस के अकॉर्डिंग पे हम लोग क्या एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो आ जाता है। और ट्रांसमिशन मीडियम आपको बता दूं कि ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो दो टाइप का होता है। अब ये टू टाइप्स को जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपको सिर्फ इनके नेम्स जो है वो हाईलाइट करवाता हूँ कि ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो आपका दो जो मैंने आपको बताया कि टू टाइप्स का है, वो एक वायर्ड है और एक वायरलेस है। इसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आपको बता दूँ कि भाई हमारे पास एग्जाम्पल है मॉडेम की, ठीक है। तो डेफिनेशंस जो है आपको बताया कि बहुत शॉर्ट और बहुत इजी वर्डिंग है, तो कोशिश ये करें आप लोग के जो डेली बेसिस पे आप लोगों का टास्क है जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप डेली बेसिस पे उन्हें लर्न करते रहें, क्योंकि कोशिश तो हम लोग यही करेंगे कि आप लोगों को क्लियर जो है वो आप लोगों को जो है वो घरों पे जब तक ये स्कूल जो है वो लॉकडाउन चल रहा है, ये स्कूल क्लोज हैं, तो आप लोगों को इतना ही जो है वो कवर करवाया जाए जितना आप लोग ईजिली समझ लें और उसे फिर हाथ के हाथ जो है वो लर्न कर लें। फिर अगर आप लोगों को कोई मसला होता है, कोई टॉपिक दोबारा समझ में नहीं आता, आप लोग उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल्स चाहते हैं या उसको दोबारा समझना चाहते हैं,
तो फिर आप लोग जो है वो ग्रुप में क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा हो सकता है या जितना अगेन हम उसको एक्सप्लेन करके समझा दें समझाएंगे उसे। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफिज़।